हेलो बच्चों मैं हूं डॉक्टर शैलेश और स्वागत है आप सभी का इंडिया के मोस्ट पावरफुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में बच्चों आज हम टारगेट एम एस में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है जिसमें आपको मैंडलियन इनहेरिटेंस पढ़ना होता है तो ये सिंपल चैप्टर आप इसके बारे में कैसे पढ़ोगे कहाँ पर फोकस करोगे क्या समझना है वो मैं आज थोड़ा सा आपको इसमें बताने वाला हूं ठीक है सो लेट स्टार्ट बेटा सबसे पहले इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये आज का चैप्टर है इसमें आपको कंटेंट क्या क्या पढ़ना है तो आपको पढ़ना है जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज यानी आप क्या पढ़ोगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज में आप पढ़ोगे डोमिनेंट क्या होता है बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करोगे आपको लगेगा शायद इतना बेसिक मैं क्यों पढूं एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं मगर बेसिक में ही क्वेश्चन हो सकते हैं कई बार हमारा बेस क्लियर होगा तब तो जाके एडवांस में वो कॉन्फिडेंस आएगा सॉल्व करने का इसीलिए डोमिनेंट टर्मिनोलॉजी डोमिनेंट क्या होता है रेसेसिव क्या होता है फिनोटाइप क्या होता है उसके बाद जिनोटाइप क्या होता है देन यू कैन आल्सो रीड अबाउट मोनोहाइब्रिड डाय हाइब्रिड, अलील्स ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को एक बार आपको देख लेना है ठीक है समझ लेना है कि हर एक टर्म का मीनिंग क्या है तो ये फर्स्ट पॉइंट है जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़। दूसरा पॉइंट आप यहाँ ध्यान दोगे मेंडेल के लॉज जो होते हैं इनहेरिटेंस के उन लॉज को आपको समझ लेना है मेंडेल के इनहेरिटेंस के तीन लॉज बनाए गए हैं नंबर वन लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये सेकेंड लॉ है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट ये थर्ड लॉ है कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा लॉ है इन तीनों लॉज में से जो लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज द काइंड ऑफ लॉ विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ है ये क्योंकि हर जगह पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एप्लीकेबल है लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी है अब एक्सेप्शन क्या है तो आपने डेवियशन का पार्ट पढ़ा होगा तो डेविएशन में बताया गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन क्या है जैसे इनकम्प्लीट डेविएशंस को द लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ये याद रखनी है बेटा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये जो दो लॉज है इनको आप मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज करके इन्हें प्रूव कर सकते हो दिखा सकते हो यू कैन सिंपली यूज मोनो हाइब्रिड क्रॉस टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डाई हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस करना होगा ठीक है ये भी बात याद रखना डायब्रिड क्रॉस से ही आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट एक्सप्लेन कर पाते हो फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस का तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सिंपल कंसेप्ट है बैक क्रॉस क्या होता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है देखो अगर आपके पास एक प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन की कोई एक प्रोजेनी दी गई है आपको उसका जीनोटाइप नहीं पता है अगर तो आप क्या करोगे

हर एक बैक क्रॉस ये टेस्ट क्रॉस नहीं होता है मगर हर एक टेस्ट क्रॉस ये बैक क्रॉस होता है इसे आप समझ लो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में देखो एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग जैसे कि अगर कोई फ्लावर कलर है या फिर कोई प्लांट है जिसकी हाइट आपको पता नहीं वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है तो आप क्या कर सकते हो टेस्ट क्रॉस से पता कर सकते हो वेन एवर यू आर डूइंग टेस्ट क्रॉस तब आपको क्या करना है टेस्ट क्रॉस में आपको पीछे वाली जनरेशन जो होती है पेरेंटल जनरेशन जो होती है उसके recessive plant के साथ, जाएगा बैक क्रॉस सिंपल डिफरेंस है ठीक है तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग ये पॉइंट आता है आपके टेक्स्ट बुक में तो डेविएशन से मैंने आपको समझाया था कि ये एक्सेप्शन है मेंडल के जो फाइंडिंग्स रहे थे कहां कहां पर पर मेंडल के फाइंडिंग्स ऐसे कि वो एप्लीकेबल नहीं है सपोज लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह पे एप्लीकेबल है क्या नहीं है कुछ जगह पे लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल ले सकते हो आप मिराबिलिस्ट जलापा जिसमें आप रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं जब आप इनको वाइट कलर के फ्लावर्स के साथ क्रॉस करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है पिंक कलर के फ्लावर्स मिलते हैं इन द जनरेशन सो ये क्यों हुआ बिकॉज ऑफ द द डोमिनेंस प्रेजेंट इन प्लांट मेरा उसी तरीके से को डोमिनपल आप ले सकते हो को डोमिन में कोट कलर इन कैटल ये एग्जाम्पल लिया जा सकता है रेड और वाइट कोट कलर्स होते हैं दोनों मिलके रोन का फॉर्मेशन होता है क्योंकि वहां पे दोनों ही ट्रेड्स एक दूसरे ऊपर उतने ही dominant होते हैं ऐसे कंसेप्ट को हम बोलते हैं co -dominance. Then, multiple allele का का है है इसे भी आप आप ध्यान से पढ़ लेना multiple allele में best example आप ले सकते हो human blood grouping system का। जिसमें IA, IB जो होता ना ये डोमिनेंट होते हैं कोडोमिनट काइंड ऑफ होते हैं एक दूसरे के ऊपर एंड ह्यूमन बींग्स में अगर आप देखोगे तो आई ए होता है आई बी होता है एंड स्मॉल आई होता है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जिसमें से ह्यूमन बींग्स में कोई भी दो ही होते हैं हर एक इंडिविजुअल में और अकॉर्डिंगली ब्लड ग्रुप हमारा सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल नाउ नेक्स्ट इज प्लियोट्रॉपी की अगर मैं बात करूं तो so प्लियोट्रॉपी में जब कोई एक ट्रेट ये लिथाल बन जाता है कोई एक पर्टिकुलर जीनोटाइप ऐसा बन जाता है जो कि लिथाल है फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनिमिया सिकल सेल एनीमिया में अगर आप दो कैरियर्स के बीच में क्रॉस करते हो तो पॉसिबिलिटी है वहां पर डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि एक जो बनेगा जिसमें दोनों रेसेसिव ट्रेट्स आएंगे वो सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड होगा ये लिथाल ट्रेट होने के कारण उसकी डेथ हो जाएगी और वहां पर नॉर्मली जब आप देखते हो तो रेशियो थ्री टू वन आता था यहाँ पर रेशियो थ्री इज टू वन नहीं आएगा टू इज वन आएगा यहाँ पर एक होगा नॉर्मल और दो होंगे कैरियर और एक जो होगा वो तो पूरी तरीके से अफेक्टेड होगा लिथाल ट्रेट के कारण उसकी डेथ भी हो जाएगी तो प्लियोट्रॉपी याद रख सकते हो क्रोमोजोमल थेरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे लिंकेज क्या होता है और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है लिंकेज यानी जब दो जीन्स होते हैं और वो एक ही क्रोमोजोम पर पास पास लोकेटेड होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो जो दो जीन्स हैं वो स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स हैं लेकिन अगर वो दो जीन्स एक क्रोमोजोम पर लोकेटेड है और फार अवे फ्रॉम ईच अदर है तो उनमें एक टेंडेंसी हो सकती है दैट दे कैन इनहेरिट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर तो लिंकेज अगर स्ट्रांग रहेगा तो जीन्स की इनहेरिटेंस की जो एबिलिटी होती है वो मोस्टली एक साथ ही वो जीन्स इनहेरिट करते हैं और फिर क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप पढ़ सकते हो जैसे क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर जब जब होता है तब लिंकेज अगर स्ट्रांग है तो जीन्स एक साथ इनहेरिट करते हैं लिंकेज अगर वीक है तो जीन्स एक दूसरे को छोड़कर इनहेरिट करते हैं दे इनहेरिट बट दे यू नो सेग्रीगेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वो आपको याद रखना है मोस्ट थिंग पे इस चैप्टर में ये आती है मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया है मेलानोगेस्ट्र के ऊपर जहां पर मॉर्गन ने क्या यूज किया ड्रोसोफिला मेलानोगेस्ट्र एज एनिमल मॉडल और उसने लिंकेज कंसेप्ट को डिस्कवर किया प्रूव करके दिखाया कि लिंकेज किस तरीके से अफेक्ट करता है अगर जीन्स क्लोज होते हैं तो उनमें स्ट्रांग लिंकेज होता है और दूर होते हैं तो उनमें वीक लिंकेज होता है ये मॉर्गन ने उसके एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके दिखाया था हीड यूज रॉसोफिला मेलानोगेस्टर और उसमें कलर ऑफ आइज देन विंग पैटर्न और ये कुछ ट्रेड्स मॉर्गन ने स्टडी किए जिसका पूरा एक्सपेरिमेंट uh, मैंने समरी क्लास के सेशन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है आप वहाँ से भी समझ सकते हो देन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है तो कुछ ऐसे इनहेरिटेंस कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनका इनहेरिटेंस सेक्स क्रोमोजोम से होता है उन्हें हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप हीमोफिलिया ले सकते हो हिमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस ये जो ट्रेड्स हैं इनके जीन्स एक्स क्रोमोजोम पर लोकेटेड होते हैं तो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इनका होता है और अगर रेसेसिव ट्रेड्स अगर इनहेरिट हो जाते हैं किसी मेल इंडिविजुअल के अंदर तो वहाँ पर ये ट्रेड्स डेफिनेटली एक्सप्रेस होते हैं ये हमने पढ़ा है सेक्स डिटर्मिनेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना सेक्स डिटर्मिनेशन में आप ये पढ़ना कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है बर्ड्स में कैसे होता है इंसेक्ट्स में कैसे होता है ट्रॉसोफिला में कैसे होता है तो ये थोड़ा सा पार्ट इसमें डिस्कस करना है आपको पढ़ लेना है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर्स में आपको आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स में अगर कोई एक पर्टिकुलर जीन म्यूटेटेड है जैसे कि सिकल सेल अनिमिया होगा या फिर क्रोमोजोम लेवल के डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो डाउन सिंड्रोम्स हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स हैं पटाउस सिंड्रोम एडवर्ड सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम कई सारे सिंड्रोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो कुछ ऑटोजोम रिलेटेड है कुछ सेक्स क्रोमोजोम रिलेटेड है इन डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है यहाँ तक का पार्ट हो गया अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं आपको इस चैप्टर में तो एक क्वेश्चन हमेशा usually देखा गया है कि गैमेट फॉर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है गैमेट फॉर्मेशन जैसे अगर आपको कोई एक जीनोटाइप दे दिया जाए सपोज कैपिटल टी टी एंड स्मॉल और इसके कितने गैमेट्स बनते हैं तो आपने दस बार ये क्रॉस किया हुआ है आप जल्दी से उसका आंसर बता देते हैं कि सर इसके दो गैमेट्स बनते हैं ठीक है अगर मैंने इसे दूसरी तरीके से लिख दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर अब इसके कितने गैमेट्स बनते हैं तो इसके चार गैमेट्स बनते हैं इसी तरीके से अगर मैंने तीसरा जो फॉर uh, एग्जाम्पल आपको दे दिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर तो नाउ दिस विल फॉर्म ओनली टू गैमेट्स अगर आप एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे कोई एक ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर देन कैपिटल आई एंड स्मॉल आई या फिर इससे भी और लंबा कोई कॉम्बिनेशन अगर दिया जाए तो उस केस में उसके पॉसिबल नंबर ऑफ कैमेट्स कितने बनते हैं वो आपको जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए आ जाना चाहिए ठीक है इसके लिए सिंपल ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो फार्मूला यूज़ कर सकते हो हेट्रोजाइगोड्स होमोजाइगोड्स काउंट करके कर सकते हो सो so, अलग अलग मेथड्स हैं बस जल्दी से आपको पता हो जाना चाहिए चल जाना चाहिए कि इसके कितने गैमेट्स बनते हैं देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टी वाई आर आई इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल ई देन स्मॉल एफ स्मॉल एफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी ऐसा भी कॉम्बिनेशन आपको दिया जा सकता है तो इस केस में भी आप यही देखोगे कि कितने नंबर ऑफ गैमेट्स उसके बनते हैं तो इस नंबर ऑफ गैमेट के ऊपर थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दो फोकस करो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है इस चैप्टर में ठीक है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से पूछे गए हैं जैसे व्हेन फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज आर द सेम देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ हमने देखा है फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो किस में सेम होता है सेम यानी क्या होता है वो रेशो वन इजू टू इस टू वन होता है तो ऐसा किसमें होता है आप इसमें से चूज कर सकते हो वेदर इट इज इनकम्प्लीट कम्प्लीट और मल्टीपल अलील या फिर ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में से एग्जैक्टली exactly कौन सा ऑप्शन इसमें से हम देख सकते हैं है, है नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है अगर कोई एक कलर ब्लाइंड मैन मैरी करता है किसी वुमन के साथ जो कि नॉर्मल विजन रखती है सो हु इज द नॉर्मल कलर राइट इज होमोजाइगस फॉर द नॉर्मल कलर सो अभी आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड क्योंकि फादर कैसा है कलर ब्लाइंड मैन बताया गया तो मैन इज कलर ब्लाइंड फादर कलर ब्लाइंड है मदर नॉर्मल है तो फिर उनके बेटे की कलर ब्लाइंड होने की कितने प्रतिशत संभावना बन रही है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो है ना सिंपल लिख सकते हो सबसे पहले क्रॉस लिख सकते हो कलर ब्लाइंड मैन है तो एक्स स्मॉल सी और वाई आएगा और नॉर्मल विजन होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन लिखा है तो ये क्रॉस किया हमने किसके साथ एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी के साथ और अब आप ढूंढ सकते हो कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी बन रही है बहुत ही सिंपल है पूरी पूरी हिंट मैंने आपको दे दी है आंसर के लिए ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन दैट फॉर डेमोस्ट्रेटिंग द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वन शुड कैरी आउट अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना है तो आप इनमें से क्या आउट करोगे एक ही ऑप्शन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉस से प्रूव किया जा सकता है और वो क्रॉस था डाई हाइब्रिड क्रॉस तो बस उसी तरीके से बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हो और सही आंसर की तरफ आप जा सकते हो है ना क्योंकि ये जो है ये सब बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है सिंपली इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस से आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ये डेमोस्ट्रेट आप कर सकते हो देन नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लीडर्स डिसीज सो ब्लीडर्स डिसीज में क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है अगर किसी सरफेस पर कट आ जाता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं होता है ब्लड निकलते रहता है ना ब्लीडिंग होती है इसीलिए उसे ब्लीडर्स डिसीज कहा गया है तो इनमें से कौन सा डिसीज ब्लीडर्स डिसीज है टेक्सट बुक में आप देखोगे तो बहुत सिंपल एक लाइन में ही आंसर दिया हुआ है तो थोड़ा सा टेक्स्ट का रीडिंग अगर आपका सही रहेगा तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत क्विकली आंसर कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है पहले कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी मतलब किस तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन था वो कैलकुलेशन भी नहीं था अगर फादर कलर ब्लाइंड है मदर नॉर्मल विजन रखती है तो उसे किस तरीके से आप मतलब नेक्स्ट जनरेशन में परसेंट प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करते हो सो so, वो लॉजिकल था वैसे ही ये बिल्कुल थेरोटिकल क्वेश्चन है सो so, वैसे ही ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो स्टूडेंट्स पी प्लांट विथ येलो एंड राउंड सीड्स इज क्रॉस्ड विथ अनदर पी प्लांट विथ ग्रीन एंड रिंकल सीड्स एक पी प्लांट है जिसके सीड्स कैसे हैं येलो एंड राउंड सीड्स है और उसे आपने क्रॉस किया विथ अनदर पी प्लांट विथ ग्रीन एंड रिंकल सीड्स तो येलो एंड राउंड सीड वाला जेनेटिक मटेरियल और दूसरा ग्रीन एंड रिंकल सीड्स वाला जीनोटाइप रहा है ठीक है और इसने क्या प्रोड्यूस किया 51 येलो राउंड प्रोड्यूस किया सीड्स और 49 येलो रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस किया है तो अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया था जीनो टाइप ऑफ प्लांट विथ येलो एंड राउंड सीड्स मस्ट भी तो इसका जीनो क्या होगा जिनो क्या होगा अगेन इट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन ऊपर रेशियो निकल रहा है क्या 51 दिया है 49 दिया है बिल्कुल डेफिनाइट कोई प्रोपोर्शन रेशियो तो नहीं है तो फिर इसे आप लॉजिकली थोड़ा सा सॉल्व करोगे देखोगे तो आपको आंसर सिंपली इनमें से एक जरूर जल्दी से मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा क्वेस्स देखोगे और समझोगे की उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया एग्जैक्टली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कौन से है? कौन से क्वेश्चन में लॉजिक यूज करना है कहाँ पे आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और गैमेट फॉर्मेशन वाले कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट सीई में आते ही आते हैं चैप्टर भी सिंपल है पूरा रीड करोगे बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो इस क्वेश्चन को इन चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली करेक्ट सॉल्व डेफिनेटली कर पाओगे ठीक है स्टूडेंट्स तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच